आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। एकलव्य स्टेडियम में शूटिंग की प्रैक्टिस की सुविधा न होने के चलते शूटर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्री नेशनल और नेशनल इवेंट के लिए इधर उधर भटक रहे हैं शूटर्स। शूटर्स का कहना है कि प्रैक्टिस न होने की वजह से वो कैसे प्री नेशनल और नेशनल इवेंट की तैयारी करेंगे। ऐसे में शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए आए शूटर्स को एकलव्य स्टेडियम में प्रवेश भी नहीं दिया गया। इस वक्त हम खड़े हुए हैं स्टेडियम एकलव्य स्टेडियम के बाहर, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो शूटिंग के जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, यहां पर देखने को मिल रहे हैं काफ़ी तादाद में। कई बार यह आने के बावजूद ही यहां पर इन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इन लोगों को जो मुश्किलें हैं उनके सामने आती जा रही हैं, और ये कई बार एडीएम सिटी साहब और कहीं और आला अधिकारियों से मिलने के बावजूद भी ये यहाँ के चक्कर के सिवा और कुछ नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पर हमारे कुछ साथ एक कुछ प्लेयर्स भी यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि क्या परेशानी है और किस तरह से इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी है? देखिए, हमारे 15 मार्च से हमारे प्री नेशनल शुरू हो रहे हैं और हमें किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। ना हमें लाइट की फैसिलिटीज़ हैं, ना हमें एसी की फैसिलिटीज़ हैं, हमको कोई किसी भी तरीके की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी हम कल भी एडीएम सिटी साहब के पास गए थे कि हमें परेशानी आ रही है, हमारे मेडल्स आ रहे हैं और उसका भी कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला गया है। रेंज आज हमारा बंद कर दी गई है बिना किसी बात के लिए, जिसका हमें कोई तुक भी नहीं पता कि क्यों बंद कर दी गई है। अब आप ये बताइए कि हम अपने मेडल्स वगैरह कहाँ से निकाल के लाएँ, कहाँ से हम अपने स्टेट का नाम रोशन करें, जब हमको कोई भी बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं की जा रही हैं। ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से आपको अंदर एंट्री नहीं करने दी जा रही? हमें वजह ही खुद नहीं पता कि क्यों ये लोग एंट्री हमें नहीं दे रहे हैं, और ये चाहते हैं कि फिर हम लोग अपनी स्टेट का नाम रोशन करें, मेडल निकाल के लाएं। जब हमें प्रैक्टिस ही नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो हम कहाँ से मेडल निकाल के लाएंगे? हम अपनी 1500 रुपये यहाँ पर फीस दे रहे हैं किस लिए? क्योंकि हमें जब मन चाहे हमें रेंज से बाहर निकाल दिया जाएगा, जब मन चाहे रेंज बंद कर दी जाएगी। आपने किसी यहाँ से जो अंदर जो अधिकारी हैं उनसे इस बारे में आज बात की? बिल्कुल की थी। हम कल एडीएम सिटी साहब के पास गए थे, हालांकि वो हमें वहाँ मिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उनके पास मेडल रखे आए हैं अपने। एकलव्य स्टेडियम में आप किसी अधिकारी से मिले? आरएसओ साहब से बात हुई थी हमारी। उनका क्या जवाब आया? उनका ये जवाब है कि आज वो आ रहे हैं अभी 4 बजे, तो वो तब हमें बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। वो भी हमें बात तो क्लियर नहीं कर रहे हैं ना कि क्यों हमारे संग ऐसा किया जा रहा है, क्यों बार बार हमारी रेंज को बंद करी जा रही है। इससे पहले हमारे स्टेट थे, उसमें भी इन लोगों ने हमारे लिए परेशानी क्रिएट करी थी। उससे पहले भी इन्होंने रेंज का वही रट्टा लगा के रखा था कि बंद है। टाइम भी हमें जहाँ हमें 8-8 घंटे की प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, वहाँ हमें 2 घंटे की भी प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही है। प्रॉब्लम ये है सर, एक तो सर पहली बार टाइम की प्रॉब्लम है, मुश्किल से 35 मिनट भी वो नहीं मिलती है प्रैक्टिस। दूसरा ये है कि बिना रीज़न के आज शूटिंग रेंज बंद कर दी है। अभी थोड़ी देर पहले तक अंदर वो मतलब अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, अभी कहा कि आप अंदर जाके बैठ सकते हैं। आपने इसको लेकर किसी अधिकारी या किसी से बात नहीं की? सर अभी तो सर वो है ही नहीं, तो सर बात किससे कर रहे हैं सर? इससे पहले भी आप आए थे यहाँ? हाँ सर, मैं तो रोज ही आता हूँ शूटिंग करने। जी सर, तो ऐसा क्यों आज ही क्यों मना कर दिया? पता नहीं सर, आई डोंट नो सर, इस बारे में मुझे नहीं पता कि ऐसा इन्हें सडनली क्यों बंद कर दिया। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जो शूटिंग की स्टूडेंट्स हैं, वो काफ़ी दिनों से परेशान हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से हम लोगों से उम्मीद की जाती है, मेडल्स की उम्मीद की जाती है, पर उसके अभाव में प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो होनी चाहिए, वो सुविधाएं उनको नहीं देखने को मिल रही हैं, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से यहाँ पर जो शूटिंग रेंज हैं। और ये जो आपको बता दूं, ये जो पीछे जो जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कई सारे अवार्ड्स भी इनको मिल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो स्टेडियम है उसमें इनको एंट्री नहीं दी जा रही है। अपने साथी गणेंद्र के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।